अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग राजिया फार्मिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको दीन दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाएं। जी आप सब लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग कल मुख्तसर व्लॉग बना सके क्योंकि सफ़र पे जाना पड़ा था, जिस वजह से मज़ीद हम लोग उसके अंदर कोई नहीं कर सके सिस्टम, और ना फार्म के ऊपर कोई काम मज़ीद हो सके। और मज़ीद ग्रूफ टॉप फार्म पे आए हैं, यहाँ पे पिजन्स को देख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किंग पिजन्स टहल रहे हैं अभी। देख सकते हैं कि खाने का वक्त हुआ। ये दोस्तों ये फ्रेम्स पड़े हुए हैं, हमारा प्लान है कि रोस्टर और हैन का केज इन्हीं फ्रेम्स में से मैनेज कर लिया जाए, लेकिन इसमें ये हमें समझ नहीं आ रही किसी पार्टीशन सिंगल करें, डबल करें कि ट्रिपल करें। तीन पोर्शंस बनाएं, इसकी लेंथ इसकी 15 फीट है, तो प्लेसमेंट इसकी ये है। यहाँ पर धूप की शिद्दत कम होती है दिन में भी और शाम के वक्त भी, और गर्मी में भी धूप इस एरिया में काम आती है। आप सजेस्ट कर दीजिएगा उसके मुताबिक काम कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि गोल्ड फार्म एज इट इज़ पड़ा हुआ है अभी इसी तरह ही, इसमें कोई हम लोग चीज़ मैनेज नहीं कर सके। तरपालें वगैरह बिखरी पड़ी हैं अभी सारी, और गॉड्स के लिए हमें कॉल आ गई हुई है कि अपनी गॉड्स सेलेक्ट कर दें। तो ये मैनेज करने के बाद हम लोग जाके गॉड्स अपनी कलेक्ट कर लाएंगे, ले आएंगे वहाँ से ला के यहाँ पे फार्म में शिफ्ट कर देंगे दोबारा से। अभी इस तरह से नहीं लेके आ रहे क्योंकि इसके काम रहते हैं कुछ होने वाले। आगे सीज़न आ रहा है सर्दी का, शदीद सर्दी होती है। ऊपर रूफ टॉप पर सेटअप है ये सेकेंड फ्लोर पर, तो इसलिए कोई नुकसान ना उठाएं। इस वजह से अभी लेकर नहीं आए, ताकि जो कंपलसरी चीज़ें हैं उसकी वो पूरी करके तो गोट ले आएंगे हम दोबारा से। ये ऊपर से बैक यार्ड एरिया मिनी जू का व्यू है। ये रोस्टर और हैन घूम रहे हैं नीचे, भी खाने का टाइम हुआ है। रैबिट्स का जैसा कि हमने उनके केज में शिफ्ट कर दिया था, इसके ऊपर सारा पेपर पॉलीथीन वगैरह सारा कुछ लगा दिया है, तरपाल वगैरह। ताकि गर्मी और बारिश से इनके सेफ रह सकें। आप देख सकते हैं कि किंग पिजन्स बाहर घूम रहे हैं। ट्रैवलिंग की वजह से कल भी कोई काम नहीं हो सका फार्म पे, आज भी कोई काम नहीं कर सके। कल से दोबारा इसे अपडेट करना शुरू करेंगे ताकि जो काम इसमें रहते हैं वो हम तेज़ी से कंप्लीट कर सके, पेंट वर्क कंप्लीट कर सके सर्दी आने से पहले। केजेस वगैरह का काम कंप्लीट कर सके, एवरीज का, केजेस का। जी दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें ताकि हमारे आइंदा आने वाली वीडियो से आपको आगाही मिल सके। ये आपको मिनी जू का विजिट करवाते हैं। जी दोस्तों जैसे कि ये गोट का सामान सारा बिखरा पड़ा अभी इधर आप देख सकते हैं, सारे इनकी मेडिसिन वगैरह
ये सिरप वगैरह सारे इनके एंटीबायोटिक्स तो गोट को दे रहे थे, ये ऑयल्स वगैरह पड़े हुए इनके। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा लेकर आएंगे गोट, ताकि उनके जो एरियो से भी हम फील कर सकें। दोस्तों मिनी जू में आ गए हम लोग, ताकि ये देख सकते हैं रोस्टर गंजी गर्दन वाला, ये फौरन से पास आया, मुर्गी के हाथों बेचारा जलील हुआ, उसने उसकी गर्दन के सारे बाल उड़ा दिए, ये आप देख सकते हैं। इस एन ने इस रोस्टर का बुरा हाल कर दिया। ये अग्रेसिव होता जा रहा है लेकिन दिन भर दिन। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि रैबिट्स यहाँ पे किस तरीके से दोबारा इन्होंने सेटिंग शुरू कर दी है अपनी सेटिंग। दोस्तों अग्रेसिव हुआ है ये मारने के चक्कर में मुझे। जी दोस्तों जैसा कि हमने मास्टर केज में ट्री रख दिया था, अब आप सजेस्ट करें इसे कलर करें कि इसे नेचुरल फॉर्म में रहने दें। ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है मास्टर केज के अंदर, ये देख सकते हैं पीछे से वो लाइट आ रही है सूरज की, तो जिस वजह से इसका व्यू कंप्लीट नहीं आ रहा। ये बड़ी मेहनत से हम लोग लेकर आए, इसे यहाँ शिफ्ट किया हमने। अब ये एवरीज के फ्रंट फ्रेम बनाने हैं, उनके पाइप कटिंग हो गए हमें, ये पड़े हैं कुछ बाहर हैं, जिससे इनका फ्रंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उन्हें पेंट वर्क करके तो यहाँ पे बर्ड्स ले आएंगे। आप सजेस्ट करें कि कौन से बर्ड्स यहाँ पर लेकर आएं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जी दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो से आपको जल्द आगाही मिल सके। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।